हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट के भी एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं, आप सबको पता चल ही गया होगा। इसके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपने हमें भेजा है, हम वो सब आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है, जहाँ तक मुझे ये मेरी थिंकिंग है, कि अलग अलग जोन में क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा रहे हैं, जैसा रेलवे के परीक्षा में भी हो रहा था। यही कारण है कि क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत से लोग, मैंने उन्हें बोला भी था, आप सबसे पहले भी कहा था मैंने, कि जब भी आप क्वेश्चन भेजते हो तो अपना जोन बता दिया करो कि आप किस जोन के हो, लेकिन आप जोन नहीं बता रहे हो, सिर्फ क्वेश्चंस ही सेंड कर रहे हो। तो इसीलिए ये तो पता लगाना मुश्किल है कि किस जोन में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन इतनी बात तो फिक्स है कि अलग अलग जोन में क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा रहे हैं। और ये ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि एसएससी ने कुछ दिन पहले ही नोटिस इशू करके ये बता दिया था कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। साथ ही साथ आपको एक और अपडेट दे दूं कि पिछले जो वीडियो फर्स्ट शिफ्ट का हमने बनाया था, उसमें बहुत से बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उनका कंफ्यूजन दूर कब होगा, या होगा भी कि नहीं होगा, कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। पिछले कितने ही वीडियो में ये बात बताया गया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बात को ध्यान से सुन लीजिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके एग्ज़ाम में। अभी तक किसी ने ऐसा बात नहीं बताया है, और ना ही एसएससी की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि हमेशा से इसका रिवाज रहा है। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन फिर से काफ़ी इजी लेवल का था, मीडियम लेवल का था, लेकिन पिछले वीडियो के मुकाबले, जो पिछला शिफ्ट था, उसके मुकाबले थोड़ा सा ऊपर रहा है, थोड़ा सा टफ रहा है। तो ये टीसीएस का ही परंपरा रही है, टीसीएस की का ये स्टाइल भी रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट में इजी क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में उससे टफ, और थर्ड शिफ्ट में उससे भी टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा इसका रिवाज रहा है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन भी आपका होगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम कभी भी हो, किसी भी समय हो, ज़्यादा गलत करने का प्रयास आप ना कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा गलत करने से जो नॉर्मलाइजेशन है उस पे इफेक्ट पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए गलत अगर कम करने का प्रयास आप करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। अगला देखते हैं, चलिए हम शुरू कर देते हैं। एसएससी जीडी सेकेंड शिफ्ट हिंदी और जीके के प्रश्न, जो कि आपने मुझे भेजा है। तो पहला क्वेश्चन है, आगरा शहर का स्थापना कब किया गया था? तो ये किसने किया था? सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने। ये लोदी वंश के संस्थापक नहीं, लोदी वंश के राजा थे ये। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे, और इन्होंने 504 में इस शहर की स्थापना की थी। बहुत से लोग इसे सिकंदर में, जो अलेक्जेंडर जो भारत आया था, उसमें कंफ्यूज होते, लेकिन ये वो सिकंदर नहीं है, वो था अलेक्जेंडर, ये है सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो ये है गोवा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो इसको भी याद करने का बहुत सा छोटा ट्रिक है कि इतना छोटा सा ये देश है कि आप गो और आ, जैसे हम लोग करते हैं, गो मतलब जाना और आ मतलब आना, यानी कि आना जाना तुरंत हो जा रहा है, जितने आप कितना जल्दी बोल पा रहे हैं, गो आ गए और आ गए। तो और वहीं अगर हम बात करें सबसे बड़े राज्य की, तो वो है राजस्थान, राजस्थान सबसे बड़ा है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट है, आरबीआई से फिर से क्वेश्चन पूछा गया। पहले शिफ्ट में आरबीआई का पूछा गया था स्थापना दिवस, और इस बार गवर्नर पूछ लिया गया है, तो ये शक्तिकांत दास है। बिल्कुल ही रेलवे का ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, जैसे क्योंकि रेलवे का ये तरीका रहा है कि जो शुरू में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को आगे तक डिटेल किया जाता है। तो अगर जो थर्ड शिफ्ट वाले क्वेश्चन आपका, अगर थर्ड शिफ्ट में एग्जाम पड़ता है, तो फर्स्ट शिफ्ट को देख के आप उस हिसाब से क्वेश्चन अगर कर लेंगे थोड़ी समय में, तो आपको फायदा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पेड़ के पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल के कारण ही सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अगला है, गंगा की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, तो ये 2560 किलोमीटर बहती है भारत में। कितनी है? 2560।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी तो आपको पता है रोम है, और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये आप कमेंट करके बताइए, किस नदी के किनारे ये बसा हुआ शहर है इटली की राजधानी रोम, रोम किस शहर के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है, किस कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है? तो यह है एंथ्रासाइट कोयला, इसमें 90 से 95% तक कार्बन पाया जाता है, कार्बन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये कौन है, पिन्नाराई विजयन, पिन्नाराई विजयन, और यहाँ की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ बताइए। मुहावरे से मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ये सब हमने आपको पढ़ाया है। अगर आप मेरे सभी क्वेश्चन जो हिंदी के 25-25 क्वेश्चन वाले वीडियो हैं अगर वो सब आप देख लेते हैं तो गारंटी है, और मेरे सभी स्टूडेंट जिसने देखा है, जो जिसने मेरे पिछले एक महीने के सभी वीडियोस हिंदी के देखे हैं, वो 20+ आसानी से लेके आएगा, इसकी गारंटी है। अगर वो सभी वीडियोस देखता है तो 20+ मार्क्स लाना आसान हो जाएगा उसके लिए, और अगर जो मैंने बताया है जो जो चीज़ें उसमें करने को भी कहा है अगर वो भी आप करते हो तो 25 में से 25 भी आप ला सकते हो हिंदी में, क्योंकि हिंदी बहुत आसान है, हिंदी और रीजनिंग आप चाहें तो दोनों मिला के 45+ मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ तो ये क्या है, बहुत अधिक आज़ादी देना, बहुत अधिक आज़ादी देना। नेक्स्ट है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, और जीएसटी जो है हमने कहाँ से लिया है, तो ये कनाडा से लिया है, कनाडा का। और जीएसटी में दो तरह के जीएसटी होते हैं, CGST, SGST, यानी कि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, ये भी आपको याद रखना है, ये कनाडा में भी चलता है, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। वैसे अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस किसके अंदर आती है? यानी कि ये क्वेश्चन तो ठीक से उन्होंने नहीं बताया था, ऐसा ही लिखा था तो मैंने भी ऐसा ही लिख दिया है। तो क्या है, दिल्ली पुलिस, जैसे कि आप हो, आपका एग्ज़ाम है, तो अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है किस चीज़ का, CISF, BSF, तो ये दिल्ली पुलिस भी इसी के अंडर आती है, यानी कि ये भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, यानी कि पारामिलिट्री है, ये भी पारामिलिट्री है, आप इसे पुलिस नहीं कह सकते हैं, दिल्ली पुलिस जो है इसे सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करती है, ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, वहाँ के जो नेता हैं। तो आपने सुना होगा बहुत बार अरविंद केजरीवाल इस पे बहस भी करते हैं, और वहाँ पे वो हल अपने विधानसभा में भी वो बहस करते हैं कि दिल्ली पुलिस को आज़ाद किया जाना चाहिए, वो मुख्य राज्य के अंदर में आना चाहिए, ना कि केंद्र के अंदर में, इसलिए ये अभी चर्चित मुद्दा था, शायद इसीलिए क्वेश्चन ये बन भी गया है एग्ज़ाम में। और आपने जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपका एक एग्ज़ाम आता है SSC CPO वाला, जो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, तो उसमें दिल्ली पुलिस में भी, जिसमें SI और ASI का फॉर्म फिलअप किया जाता है, तो उसमें आपको दिल्ली पुलिस भी चूज करने का मौका मिलता है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया के लोग भर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, इसीलिए दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल पुलिस है। अगला क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी, गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है, और एक आता है इंडिया गेट, तो वो दिल्ली में है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर देता है, इसीलिए याद रखा जाता है। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो ये कहाँ का है, तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, लावणी कहाँ का नृत्य है? लावणी कहाँ का नृत्य है? तो ये है महाराष्ट्र का नृत्य है, लावणी महाराष्ट्र का नृत्य है। और DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DOXY RNA ये है। और वहीं RNA का, तो RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इजी क्वेश्चन था, आरती साहा ने भेजा था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1761 में लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था? अफगान और मराठों के बीच में हुआ था, अफगान और मराठों के बीच में। पहला, दूसरा और तीसरा, तीन युद्ध इसमें हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध सभा तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी।
चार बौद्ध सभाएं हुई हैं तो चारों आप याद रख लें, और जैन सभाएं भी दो हुई हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे तो आपको फायदा होगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक तो ये हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी थे इसके लेखक। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। किस दिन? 12 अगस्त को। और आप मुझे बताएंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं ये विवेकानंद जी के जन्मदिन पे, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे मनाते हैं, तो कब मनाते हैं ये आप बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फॉलो कर रहा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, या प्रीवियस नहीं, रेलवे का ट्रेंड, रेलवे पिछले बार पूछा गया था, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में सीसा पे लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया, तो ये ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये मिलता कहाँ है? ये घास में मिलता है, घास से हमें मिलता है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन, पता नहीं ये क्वेश्चन पूछ क्यों लिया गया, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, लगभग सभी को, जो बच्चा इस कंपटीशन की तैयारी नहीं करता है उसे भी पता होगा। ऐसे क्वेश्चंस जो कंपटीशन में पढ़ के आते हैं उनको, उनका वैल्यू डाउन कर देता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबको मार्क्स दे जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी का नाम क्या है? तो ये है अनाई मुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी अनाई मुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये अमरकंटक से है। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपको रात में 8 से 9 के बीच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके का 100 क्वेश्चन भी मिल, 100 तक आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसीलिए वो वीडियो आप देखना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो होने वाला है, सभी को आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा करेगा। साथ ही साथ हम हिंदी का भी इंपॉर्टेंट वीडियो सेट प्रैक्टिस कंटिन्यू रख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपका एग्जाम लेट से है तो मैंने सोचा था कि हिंदी का सेट प्रैक्टिस बंद कर दूं, लेकिन मैं क्वेश्चन देखने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज़ आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी चालू रखूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ये तो मेरी बात है, अगर आप कमेंट करेंगे कि मुझे हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट चालू रखना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं हिंदी का जो 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है वो चालू रखूंगा। तो अगर आपको चालू चाहिए या फिर प्रीवियस के आप काम चला लोगे तो ठीक है, नहीं तो अगर चालू रखवाना चाहते हो तो आप कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शत्रु का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है? तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, रिपु, दुश्मन, अमित्र, बैरी, बहुत सारे होते हैं, याद आप जरूर रखिए। नेक्स्ट है, आलोक का विलोम शब्द क्या है? तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि ऑप्शन में अंधकार भी एक ऑप्शन दे दिया था, तो वो अंधकार गलत था, वो था वहाँ पे होता तिमिर, वहाँ पे होता तिमिर, तिमिर का अर्थ भी अंधकार होता है, लेकिन जब भी मैंने आपको विलोम शब्द पढ़ाया है तो ये बताया है कि विलोम शब्द हमेशा पेयर्स में चलता है, पेयर्स में, इसका अपना पेयरिंग वर्ड मिलना चाहिए इसे, अगर अपना पेयरिंग वर्ड नहीं मिलेगा तो दूसरा लेगा, अगर पेयरिंग वर्ड मिल गया तो वही आंसर हो जाएगा, चाहे उससे मिलते जुलते अर्थ का कितना भी आ जाए। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए हुए हैं। नेक्स्ट है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, यानी कि संक्षिप्तीकरण, इसको हम कहते हैं संक्षिप्तीकरण, दो या जैसे हम क्या कहेंगे, 10 सिरों वाला, इसको हम संक्षेप करके दशानन कहते हैं, यही बात है, नीले गले वाला तो नीलकंठ कहते हैं, ये सब होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब किसने जीता? बिल्कुल ही नया क्वेश्चन, एकदम करेंट, कौन किसने जीता था? नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 नोवाक जोकोविच। और वही अगर हम ग्रैंड स्लैम की बात करें तो पिछला तीनों ग्रैंड स्लैम इसी ने ही जीत लिया है, यानी कि इस वर्ष का पहला और पिछले वर्ष का आखिरी दोनों नोवाक जोकोविच ने जीता है, तो लगातार 3 ग्रैंड स्लैम ये जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कविश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? साथ साथ दोस्तों मैं बता दूं कि आप ये जो ग्रैंड स्लैम होते हैं इसके पुरुष विजेता और महिला विजेता, इन दोनों के नाम अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, कविश्वर शब्द का सही संबंध, सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो कवि जोर ईश्वर, कविश्वर होगा, और ये दीर्घ संधि है, ये दीर्घ संधि है, कविश्वर और कविश्वर दीर्घ संधि है। जलधि और जलज का उचित अर्थ बताइए, तो क्या होता है? समुद्र और कमल, समुद्र और
कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगव्य शब्द में कौन सा समास है, पंचगव्य शब्द में कौन सा समास है, तो यह है द्विगु समास। समास समास पे देखें दोस्तों, मेरा एक वीडियो है समास पे, आप अगर समास में फंसते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो आप वो वीडियो देख लें, गारंटी है वो वीडियो देख लेने के बाद। मैंने उसमें इतने शब्द बता दिए हैं एग्जाम्पल में, इतने शब्द एग्जाम्पल में बताए हैं, और उस एग्जाम्पल के बाद एंड में भी इतने शब्द बताए हैं। दो वीडियो आपको हैं, 30-30 मिनट के दोनों वीडियो हैं, 30-31 मिनट का होगा दोनों वीडियो। दोनों वीडियो अगर आप देख लेंगे तो समास से रिलेटेड जितने भी शब्द पूछे जाते हैं सब आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको शायद गाना भी सुनाई दे रहा हो क्योंकि यहाँ पे आसपास सरस्वती पूजा मन रहा है, इस कारण से बहुत आवाज आ रही है। नेक्स्ट है, लघुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद, तो लघु जोर उत्तर, और ये कौन सा समास संधि है, कौन सी संधि है, ये आप कमेंट कर, मैंने जानबूझ के इसमें नहीं लिखा है ये कौन सी संधि है, ये आपको बताना है कौन सी संधि है। वहाँ पे मैंने आपको जानकारी के लिए लिख दिया था कि ये दीर्घ संधि है, यहाँ पे आप बताएंगे कौन सी संधि। अगला है, अमर शब्द का विलोम बताइए, अमर शब्द का विलोम, तो ये मरणशील होता है, अमर यानी कि जो कभी ना मरे, और मरणशील यानी कि मरने वाला, जो कभी ना कभी मर जाए। नेक्स्ट है, पढ़े फारसी बेचे तेल कहावत का अर्थ बताइए, पढ़े फारसी बेचे तेल, तो इसका काम है बेमेल काम करना, बेमेल काम करना। अगला देखते हैं, और ये यहाँ पे एक है कि व्यस्क का सही वर्तनी पूछा गया था, व्यस्क शब्द का सही वर्तनी पूछा गया था, तो मैंने आपको कहा ही था ये तो व्यस्क सही तरीके से लिखा हुआ, उसमें 3-4 गलत दिए थे। इसके अलावा अशुद्धियों से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, अशुद्धियों से आपको वाक्य को अलग अलग पार्ट में बांट के अशुद्धि कर दिया जा रहा है, और उससे भी क्वेश्चन बन रहा है। तो जो भी क्वेश्चन आपने भेजे हैं उसे इंक्लूड किया गया है, और आप अगर चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन भी हम वीडियो में इंक्लूड करें, तो आप अपने जोन के साथ आप किस जोन से हैं इस नंबर पे आप भेज सकते हैं, 7631830008 इस, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे वीडियो ऑडियो या फिर चाहे तो अपना लिख के टाइप करके क्वेश्चन भेजें, हम उसे इंक्लूड करेंगे, जरूर से जरूर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे, फर्स्ट शिफ्ट के हिंदी जी और जीके के एक वीडियो, और मैथ और रीजनिंग का एक वीडियो, दो वीडियो आपको पड़ा हुआ है, दोनों वीडियो देख लें, ये भी वीडियो देखें, बहुत आपको आने वाले एग्जाम्स में फ़ायदा करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे मैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।